कुमा अभी तक जिंदा है, क्योंकि कुमा ने एकदम से एगेड के ऊपर सरप्राइज एंट्री करके सीधा सैटर्न के ऊपर एक पंच देके मारा है। अभी ऐसा लग रहा है कि भाई कुमा भाई साहब के अंदर फाइनली कुछ तो फीलिंग्स फिर से जाग चुकी है, जो कि बोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा एगेड के ऊपर आ चुका है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हमको कुमा के पूरी की पूरी एंडिंग दिखाई गई थी, जहाँ पर कुमा ने अपनी सारी की सारी मेमोरीज खो दी थी और पूरा का पूरा साइबॉग बन चुका था। लेकिन यहाँ पर अभी बोनी सबसे ज्यादा खतरे में थी, क्योंकि उसके पीछे भाई सैटर्न लगा पड़ा था, जो कि बोनी को एक टाइप से मारने वाला था। तभी पता नहीं एकदम से कुमा कहाँ से आ गया और एकदम से सैटर्न के सामने खड़ा हो गया। यहाँ पर अभी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो अपने वेगापंक भाई साहब ने कुमा के दिमाग के अंदर कुछ तो भी प्रोग्राम करके रखा होगा, उसने कुमा के दिमाग में ये प्रोग्राम करा होगा कि भाई जब बोनी सबसे ज्यादा खतरे में होगी तब वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि उसने सनी को लास्ट टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखा था, वैसा ही भाई वेगापंक ने कुमा के दिमाग के अंदर ये प्रोग्राम करके रखा होगा और ये चीज उसने सैटर्न से छुपा के करी होगी, क्योंकि सैटर्न को पता चल जाता तो भाई वो वेगापंक को मार ही देता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे वेगापंक का कोई भी हाथ ना हो, कुमा ने अपने आप ही अपने मेमोरीज को वापस ले आया होगा, या कुछ उसके अंदर ऐसे इमोशंस बचे रहे होंगे जो कि लास्ट टाइम तक बोनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लेकिन कुमा अभी अपने फुल पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब साबो ने उसको बचा के लाया था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल था और वहाँ पर ड्रैगन भी उसको रिपेयर नहीं कर पाया था, और ड्रैगन को कुमा को रिपेयर करने का टाइम मिलता इससे पहले कुमा वापस से मरजुआ के ऊपर चला गया था। और अभी कुमा के एगिड के ऊपर आने के बाद में स्ट्रो हैट फाइनली एगिड से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि कुमा सैटर्न से लड़ेगा, तब तक सारे के सारे स्ट्रो हैट्स एगेट से बाहर निकल लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कुमा सैटर्न से लड़ते लड़ते फाइनली मारा जाए और लूफी फिर बाद में अपनी पावर्स को रिस्टोर करके सैटर्न को हरा दे। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमको और एक शॉकिंग चीज पता चली है, जो कि है सैटर्न के बारे में। सैटर्न ने ऐसी एक मेडिसिन बनाई है, अगर कोई भी नॉर्मल बंदा उस वाली मेडिसिन को खाता है तो उसके अंदर भाई बिना कोई डेविल फूड खाए सारी के सारी डेविल फूड की एबिलिटी आ जाती है। लेकिन इस वाली मेडिसिन का एक बहुत ही बड़ा वाला साइड इफेक्ट है, सैटर्न ने ये वाली मेडिसिन बोनी की मम्मी गिनी को खिलाई थी, जिसकी वजह से बोनी और गिनी को वो वाला डिसीज हो गया था जिसका इलाज करना पॉसिबल नहीं था। और बोनी को जो तोशी तोशी नोमी की पावर्स मिली थी वो सैटर्न ने उसको दी थी, शायद से जब वो पैदा हुई होंगी तभी से उसके पास में वो सारी पावर्स आ चुकी होगी, क्योंकि गिनी तो ऑलरेडी मर चुकी थी, बची थी बस बोनी, और उस वाली मेडिसिन की मदद से बोनी को अपने आप तोशी तोशी नोमी की पावर्स मिल गई होंगी। यहाँ पर सैटर्न ने बोनी की पावर्स को एक्सप्लेन करते हुए ये बोला कि बोनी जो जो चीजें इमेजिन करेंगी वो उस वाले फ्यूचर के अंदर ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है, लेकिन उस वाले फ्यूचर के बारे में उसको जितनी ज्यादा सच्चाई पता चलेगी उतना ही उसका फ्यूचर लिमिटेड बनता जाएगा। एग्जांपल के लिए उसने लूफी के गेयर 3 टाइप अटैक को इमेजिन करा था, क्योंकि उसने ना ही कभी उस टाइप के अटैक को देखा था, ना ही उसने निका की पावर्स को देखा था, फिर भी उसने लूफी के गेयर 3 टाइप अटैक को यूज करा था, जो कि फुल्ली उसकी इमेजिनेशन पे बेस्ड था। इसका मतलब जितनी ज्यादा अच्छी उसकी इमेजिनेशन रहेगी उतनी ज्यादा बैडएस वो बनती जाएगी। लेकिन क्या होता अगर उसने ऑलरेडी गेयर 3 को यूज होते हुए देख लिया होता तो वो बस उस वाले अटैक को उसी तरह यूज कर पाती, ना कि उस वाले अटैक के अंदर काफी बड़े वाले चेंजेस कर पाती। अगर उसने लॉ के डेविल फूड के पावर्स के बारे में इमेजिन करा तो उसकी जो रूम की जो रेडियस रहेगी वो अपने हिसाब से कितने भी रख सकती है। अगर वहीं पर उसने लॉ को रूम को यूज करते हुए देख लिया तो उसको पता चल जाएगा कि इस वाले अटैक की रेडियस बस इतनी है, तो एक टाइप से उसकी इमेजिनेशन के बारे में जो ट्रुथ रहेगा वही उसके पावर्स के लिमिट का कारण बनेगा। छोड़ो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोनी को बस गॉड निका के रबरी टाइप पावर्स के बारे में ही पता था। उसको बस ये पता था कि गॉड निका रबर टाइप पावर्स का यूज करता है और इसी वजह से वो अपने अटैक के अंदर बस रबर वाले पार्ट को ही कॉपी कर सकती थी, और उसकी वजह से सैटर्न के ऊपर उसका अटैक बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। और यही रीजन था कि वो निका के ऊपर डाउट करने लग जाती है और अपने होप को खो देती है। बाद में सैटर्न उसको मारने वाला ही होता है कि वहां पर कुमा की सरप्राइज एंट्री हो जाती है। अब इसके आगे क्या कुमा सैटर्न को हरा पाएगा ये तो हमको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।